हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के साथ किस तरीके की रिएक्शन करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कौन सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड होंगे उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो ग्रुप 16 जो ऑक्सीजन फैमिली है, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगी तो हम उन कंपाउंड्स को बोलेंगे क्या। ठीक है, तो क्या कहता है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्राइड्स हैविंग फॉर्मूला। उनका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, हैविंग फॉर्मूला H2E। ठीक है, ई कौन होगा, यहां पर जो ई है यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेलूरियम, पोलोनियम की बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो दैट इज क्या क्या फॉर्मूले बने, H2O, H2S, H2SE और H2DE, ये सब क्या हो गए, हमारे ग्रुप 16 हाइड्राइड्स हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट है शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास H2O है, H2S, H2SE और H2TE। ठीक है, H2O को कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो H2O है उसके पास टोटल पता है हमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए और जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे उनके 2 लोन पेयर बनते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास 2 तो लोन पेयर हो गए और 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। ठीक है, तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं और लोन पेयर, क्योंकि जो पाई बॉन्ड अगर कोई होता भी है तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, है ना। तो हमारे पास क्या हो गई, यहां से जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो क्या आ गई, 2 + 2 = 4, 4 का मतलब कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अब sp3 में जो शेप होनी चाहिए वो जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, बॉन्ड एंगल हमें पता ही है क्या हो जाएगा। तो अब यहां पर 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर को प्लेस कर दिया मैंने और 2 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए, तो ये तो कुछ स्ट्रक्चर हो गया। अब जब मैं बात करूंगा शेप की, तो जो शेप होती है वो सिर्फ बॉन्डिंग एटम्स के बीच में होती है, उनमें जो लोन पेयर होते हैं हम उनको नहीं देखते हैं। तो जो शेप आएगी वो शेप कैसी आ जाएगी, अब आपको देख सकते हो जो शेप, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे बैंड शेप। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, उल्टा भी दिख रहा है आपको, तो इसको हम वी शेप भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना, बैंड शेप या फिर वी शेप हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉन्ड एंगल, कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितने का होगा, एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। तो बॉन्ड एंगल को देखने के लिए मैं सिंपल क्या करता हूं, फर्स्ट और लास्ट मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेता हूं, हमें पता चल जाएगा ट्रेंड कैसा होगा। ठीक है, एक H2O ले लिया मैंने और एक ले लेता हूं H2TE। अब दोनों में जो लोन पेयर है वो बिल्कुल सेम है ना, दोनों में 2-2 लोन पेयर है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जब भी आप बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम को कंसीडर करोगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कंसीडर करेंगे। तो ऑक्सीजन है, टर्मिनल एटम तो बिल्कुल सेम हो गया तो उसको तो देखना नहीं है, किसको चेक करूंगा, सेंट्रल एटम को। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या कर लेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। H2T में टेलूरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी तो वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो टेलूरियम से दूर रहेंगे। तो अब हम जब चेक करेंगे कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में है तो इलेक्ट्रॉन ही, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है,
और नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उस रिपेलिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड एंगल होगा वो इंक्रीज, मतलब कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो लार्जर होगा या हायर होगा, ठीक है, लार्जेस्ट कह सकते हो बॉन्ड एंगल। और उसका रीजन क्या, अगर ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ट्रेंड क्या हुआ, सबसे ज्यादा H2O में, फिर H2S में, फिर H2SC और H2TE में जो बॉन्ड एंगल होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्लियर सी बात है ना, इजी था ना। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फिजिकल स्टेट, कि जो इनकी फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट कैसी होगी। तो देखो ध्यान से, इनकी फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस। तो जो H2O है, H2O क्या होता है, इट इज हमें पता ही है ये तो, ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, ना तो इसका कोई कलर होता है ना ऑर्डर होता है, और रूम टेम्परेचर पे भाई लिक्विड रहेगा, ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है। जबकि जो रेस्ट ऑफ कंपाउंड है लाइक H2S, H2SE एंड H2TE, ये सब के सब क्या होते हैं, दीज आर अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट पॉइजनस गैसेस। अनप्लीजेंट स्मेलिंग का मतलब बहुत बदबूदार होते हैं, अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है, जिसमें सफोकेशन होता है। पॉइजनस का मतलब हम जानते हैं, ठीक है, जहरीली गैस होती है। तो ये सब के सब मतलब क्या हुआ, गैसियस फॉर्म में हुए, जबकि H2O क्या हो गया, लिक्विड हुआ। तो क्वेश्चन की भाई H2O लिक्विड क्यों होता है, तो हम सिंपल सा रीजन दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। H2O में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स होता है। तो स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स की वजह से जो वाटर होगा वो लिक्विड हो जाएगा, जबकि बचे हुए कंपाउंड्स होंगे वो सब गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी वोलेटाइल नेचर। अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। तो जो वोलेटाइल प्रॉपर्टी है वो फिर से किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, ठीक है। तो जो वोलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल्स फोर्सेस। वंडरवाल फोर्स जितने क्या होंगे, वीक होंगे, उतना ज्यादा वोलेटाइल का मतलब कन्वर्ट टू वेपर, कि कितनी जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अब हमारे पास आता भी H2O है, H2S है, H2SE है और H2TE है। अब वंडरवाल फोर्स क्या होता है, साइज पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगे और वो क्या हो जाएगा, वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगे तो वो लेस वोलेटाइल हो जाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो वोलेटाइल का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा, H2S, मतलब इसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स होंगे, फिर H2SE, फिर H2TE और फिर H2O, ये लीस्ट वोलेटाइल होगा, है ना। और इसका रीजन भी होना तो क्या चाहिए था, सबसे ज्यादा वोलेटाइल होना चाहिए था, साइज छोटा है तो सबसे जल्दी इवेपोरेट होना चाहिए, बट लीस्ट वोलेटाइल है, और रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसमें जो वंडरवाल फोर्स है, जो सबसे वीक होना चाहिए था वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। आई बस समझ में। तो H2O क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये लीस्ट वोलेटाइल होगा। अब बात आती है कि H2S में नो हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है, आल्सो स्मॉल साइज, जो साइज है वो स्मॉल है, सो वीक वंडरवाल फोर्स, ठीक है। तो जो H2S है ना, उसका साइज भी छोटा है, इसलिए वंडरवाल फोर्स भी वीक होंगे, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाता, तो फिर भी वंडरवाल फोर्स वीक हो गई, इसलिए जो हाइड्रोजन है यहां पर H2S में वीकेस्ट फोर्सेस होंगे,
और वीकेस्ट फोर्स होने की वजह से ये सबसे जल्दी इवेपोरेट होगी, ठीक है, ध्यान रखना, ये वोलेटाइल नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एसिडिक नेचर। अब एसिड्स क्या होते हैं, जो एच पॉजिटिव आयंस को डोनेट कर दे, मतलब कि वो एक्वस मीडियम में आयोनाइज होंगे और हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आयन या प्रोटोन डोनेट कर दे, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। तो एसिडिक नेचर, तो क्या कह सकता हूं इसके अंदर में, जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव एच पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई वो कितनी जल्दी आयोनाइज होते हैं, कि जब तक वो आयोनाइज नहीं होगा तब तक वो एच पॉजिटिव आयन नहीं देगा। तो मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में होता क्या, जैसे H2E है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में हमेशा पता है ना कि एसिडिक प्रॉपर्टी एक्वस मीडियम में चेक की जाती है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होगा तो ये एक्वस का जो वाटर है वो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये एच पॉजिटिव कब निकलेगा, जब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, जल्दी से आयनाइज हो जाए। तो मतलब कि ये एच और ई के बॉन्ड पे डिपेंड करेगी कि जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी जल्दी आयोनाइज होगा, और जितनी जल्दी आयोनाइज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो समझ में आया कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो जो एसिडिक नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे वीक जो बॉन्ड होगा वो कहां पर मिलेगा, एच टू टी ई में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, एच टू टी ई इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ड्यू टू वीक बॉन्ड, हेंस आयोनाइज इजीली एंड गिव एच पॉजिटिव आयन, और क्या दे देगा वो, एच पॉजिटिव आयन हमें दे देगा, जितनी जल्दी हमें एच पॉजिटिव आयन मिलेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा वो। तो सिंपल सा था ना, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एसिडिक नेचर के बाद रिड्यूसिंग नेचर, या फिर उससे पहले हम करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या चीज होती है थर्मल स्टेबिलिटी, अब नाम से ही पता लग रहा है थर्मल का मतलब क्या हुआ, हीट हुआ, मतलब कि जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो कौन हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह पाता है, कि हाई टेम्परेचर पे किसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अभी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम, मतलब एटम का साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इस हिसाब से सबसे ज्यादा किसकी होगी, वाटर की, फिर H2S की, फिर H2SC, फिर H2TE। बच्चे इसमें क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी में मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ रहा हूं, ना कि मोलिक्यूल का, उसी मोलिक्यूल के बीच का अंदर का बॉन्ड तोड़ता हूं मैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस थर्मल स्टेबिलिटी इज वेरी लार्ज। जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट। क्लियर सा ना, सिंपल सा ना, आया समझ में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है रिड्यूसिंग नेचर।
तो अब भाई ये जो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर कह सकते हो, रिड्यूसिंग पावर कह सकते हो। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे को रिड्यूस करना, मतलब दूसरे को हाइड्रोजन देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग नेचर मींस टेंडेंसी टू डोनेट नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेसेंट हाइड्रोजन कौन देगा फिर से, जिसका बॉन्ड वीक होगा। तो दैट इज मैं कह सकता हूं कि जो रिड्यूसिंग पावर है, जो रिड्यूसिंग नेचर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, मतलब कि जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन देगा और उतनी ही जल्दी वो दूसरे को रिड्यूस कराएगा। एच पॉजिटिव नहीं है, ये हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो क्या होगा, जो रिड्यूसिंग नेचर है वो किस क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा वाटर का, फिर डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग जो पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। तो H2TE क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका रीजन बिकॉज ऑफ लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी सो इट्स टेंडेंसी टू गिव नेसेंट हाइड्रोजन इज लार्जेस्ट। तो जिसकी टेंडेंसी है नेसेंट हाइड्रोजन देने की वो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारे पास हाइड्राइड्स, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।